अगर इस सीट से जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो दूसरी सीट से लड़ने का निर्णय लेने के पीछे का कोई बड़ा कारण? सभा चुनाव में जितनी मजबूती के साथ संगठन में लोग आपको आपके थे, इस दौरान नाराजगी हुई, कई लोग छोड़ के चले गए, उसका नुकसान होगा? अपने लिए एक लॉबी भी सेट कर ली, बार्गेनिंग का काम चलने लगा, तो इससे टिकट बंटवारे में भी नाराजगी हुई, कई सवाल खड़े हुए। देखिए सवाल खड़े होंगे, बेरमो में पहले से दो प्रत्याशी थे, जयमंगल और रविंदर पांडे, तीर्थनाथ महतो भी वहाँ घोषणा कर दिए कि चुनावी मैदान नहीं। देखिए हमें लगता है उनका कोई विशेष प्रभाव देखने को उतना नहीं मिलेगा। तो इस बार क्या है कि विधानसभा का चुनाव है, इस बार लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड में एकदम मजबूती से कोई युवा है जो झारखंड की आवाज़ को उठा सकता है सदन में, उस शख्स का नाम लोग अभी जयराम महतो जानते हैं। चर्चा है कि सुदेश महतो जी टुंडी से चुनाव लड़ सकते हैं, कि अगर सुदेश महतो जी मेरे घोषणा करने से पूर्व अगर लड़ रहे हैं तो हमें लगता है कहीं डर डर के लड़ रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के भरखर गाँव में हूँ, जहाँ पर JLKM के उम्मीदवार और केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी देखिए देर रात ये सभा को संबोधित कर रहे हैं, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए। इस भरकर गांव में देखिए तमाम लोग गांव के इनको सुनने के लिए जुटे हुए हैं, गांव के चबूतरे पर हम खड़े हैं और सुबह से लगातार ये कैंपेनिंग चल रहा है। अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग इलाकों में कैंपेनिंग कर रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जयराम महतो हैं। जयराम जी, लोकसभा के बाद अब विधानसभा का चुनाव अनुभव हो गया होगा? जी अनुभव काफ़ी कुछ हुआ है, हालांकि अभी भी कुछ सीख ही रहे हैं। चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने मेहनत से चुनाव को आसान बनाने जा रहे हैं। उस चुनाव से और इस चुनाव में क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए चूंकि ये लोकेलिटी का चुनाव है, थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, लेकिन हमें लगता है कि लोकसभा में जो हम लोग का प्रदर्शन रहा है, खासकर गिरिडीह लोकसभा में और खासकर जहाँ से हम प्रत्याशी बने हैं, मुझे लगता है जो प्रदर्शन लोकसभा में रहा है वो प्रदर्शन विधानसभा में बरकरार रहेगा। आपके खड़ा हो जाने के बाद चर्चा ये है कि चूंकि यहाँ उपचुनाव हुआ था, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का असामयिक निधन हुआ, उस समय मामला आमने सामने का था। आज चूंकि उम्मीदवार यशोदा देवी थी, JMM की बेबी देवी थी, अभी वो दोनों उम्मीदवार हैं, तीसरे उम्मीदवार आप आ गए, तो माना जा रहा है कि ट्रेंगुलर हो गया है, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल ट्रेंगुलर ही है और दोनों हमारी माँ स्वरूप हैं, माताएँ स्वरूप हैं, उनको नमन करते हुए इस चुनाव में हमारी भागीदारी है और ट्रेंगुलर है। लेकिन हमें लगता है कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन का शायद 52,000 था और NDA गठबंधन का 55,000 था और मेरा 91,000 के से कुछ कम या 90,000 से ज़्यादा था। तो हमें लगता है कि थोड़ा पूरा अंतर हो सकता है और मेरे जहाँ तक वोट का रेशियो है वो बढ़ेगा ही, तो लगता है उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और लगातार हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, डुमरी विधानसभा हम लोग बेहतर दिख रहे हैं। बढ़ने का कारण उस समय क्या BJP की तरफ वोट चला गया था नरेंद्र मोदी? उस समय मोदी जी के नाम पर गया था, एक वोट गया था कि नहीं भाई हम लोग मोदी जी के एंटी कम्बेंसी है। हाँ। तो दो नाम पे दो ही वोट हुआ, या तो मोदी सपोर्टिंग या तो मोदी के एंटी कम्बेंसी। तो इस बार क्या है कि विधानसभा का चुनाव है, इस बार लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड में एकदम मजबूती से कोई युवा है जो झारखंड की आवाज़ को उठा सकता है सदन में, उस शख्स का नाम लोग अभी जयराम महतो जानते हैं और जयराम महतो के जो दल में हैं वो लड़के हैं, अतः हमें अवसर मिलेगा और विधानसभा में इस बार लोकसभा की तुलना में ज़्यादा वोट मिलेगा। आप अगर इस सीट से जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो दूसरी सीट से लड़ने का निर्णय लेने के पीछे का कोई बड़ा कारण? देखिए हमें लगता है कि थोड़ा सा जब आप दो सीटों पर लड़ते हैं तो उसका प्रभाव बाकी की सीटों पर पड़ता है और चूंकि ये तो सच्चाई, अभी नई पार्टी होने के कारण हमको कहीं कहीं मेरा जो पोजीशन है वो सेंटर पे है और सेंटर पोजीशन पे रहने के कारण हर जगह लोग हमें देखना चाहते थे, जबकि हम अपने काफ़ी कार्यकर्ताओं को एक दिन बैठाएं कि ऐसे में कैसे होगा चुनाव, सब कह रहे हैं गोमिया भी आपको लड़ना है, मांडू भी आपको लड़ना है, रामगढ़ आपको लड़ना है, सिंदरी आपको लड़ना है, बेरमो आपको लड़ना है, टुंडी लड़ना है, बागमारा आपको लड़ना है, तो जरा तो कहाँ कहाँ लड़ेगा। तो ये चीज़ों को उनको मैंने समझाया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं झारखंड की पॉलिटिक्स में शायद कोई ऐसा लड़का आया है जो अपने पार्टी के 10 सीट पर डिमांडिंग है कि आप यहाँ आके लड़िए और नहीं लड़ेंगे तो फिर बाकी प्रत्याशियों के में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो फिर उनको हम समझाएं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी वही मेहनत कीजिए जो मेरे लिए करते हैं, तो फिर वे लोग माने, क्योंकि हमने भी कहा कि प्रैक्टिकली यही है कि एक आदमी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगा, तो बस प्रभाव को बाकी क्षेत्रों में विस्तृत करने के लिए 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। चर्चा है कि सुदेश महतो जी टुंडी से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए अगर सुदेश महतो जी मेरे घोषणा करने से पूर्व अगर लड़ रहे हैं तो हमें लगता है कहीं डर डर के लड़ रहे हैं। सही बात है, अगर सुदेश महतो जी अगर टुंडी आ रहे हैं तो डर डर के आ रहे हैं, क्योंकि कल आपका 28 तारीख है, परसों 29 तारीख लास्ट नॉमिनेशन का डेट और मात्र 2 दिन बचा है, और अगर सुदेश जी अभी तक घोषणा भी नहीं हो पाया है
अभी तक घोषणा नहीं हो पाया सुदेश जी का कि टुंडी लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टुंडी वो डर डर के लड़ रहे हैं। अगर वो 5 दिन पहले आते मेरे बैरमा में घोषणा होने से पहले तो हम मेरी दूसरी सीट टुंडी होती, लेकिन चूंकि हम घोषणा कर चुके हैं कल मेरा नॉमिनेशन है, इसलिए वो कहीं ना कहीं डर डर के आ रहे हैं या तो फिर अवसर देख के आ रहे हैं। किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं आप? समय बहुत कम है चूंकि आपको बहुत जगह जाना है। देखिए मुद्दे वही हैं कि नियोजन में झारखंडियों का अधिकार, गांव की जो सुविधाएं होनी चाहिए, एक क्षेत्र की जो सुविधाएं होनी चाहिए, उनसे कैसे हम लोग आगे निकलेंगे, उन समस्याओं को निदान कैसे करेंगे, वही चीज़ों पे बातचीत हो रही है। जब लोग आ रहे हैं तो वही समस्याओं को सुना रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर सुना रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है उन विषयों पे बात कर रहे हैं, रोजगार का अभाव है, पलायन की ओर जा रहे हैं, तो लोग खुद ही अपनी समस्याओं को सुना रहे हैं और उन समस्याओं पे हम लोग लगातार 3 साल से बात ही कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जितनी मजबूती के साथ संगठन में लोग आपको आपके थे, इस दौरान नाराजगी हुई, कई लोग छोड़ के चले गए, उसका नुकसान होगा? देखिए नुकसान नहीं होगा, मेंटेन कर लेंगे, लेकिन नाराजगी हुई क्योंकि लोकसभा के चुनाव में लोग लड़ना नहीं चाहते थे। हम लोग तो अपना केडर को बचाने के लिए लोकसभा लड़े थे और हाँ ये लगा था कि 1-2 सीट अब जीत सकते हैं। लोकसभा का चुनाव लोग लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन सबने ये महत्वाकांक्षा रखी थी कि हम विधानसभा में पार्टिसिपेट करेंगे और कह सकते हैं और मानवीय भूल स्वीकारने में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मानवीय भूल हमारी ये रही कि हम लोगों ने आवेदन लिया, पहला चुनाव था, हमें उस पर थोड़ा सा चिंतन मंथन करने की आवश्यकता थी, लेकिन खैर जो टीम ने डिसीजन लिया उसको हम लोग लेके आगे बढ़े। उससे क्या हुआ, एक ही विधानसभा से 20-25 लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद उन्होंने अपना एक ग्रुप भी बना लिया, अपने लिए एक लॉबी भी सेट कर ली, बार्गेनिंग का काम चलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जिनको टिकट नहीं मिला वो थोड़ी सी उनमें असहमति है, नाराजगी है, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर वो झारखंड के लिए आए हैं, झारखंडियत के लिए आए हैं, झारखंड के युवाओं के लिए आए हैं, 1932 के खतियान के लिए आए हैं, यहाँ के पीड़ित शोषित वंचितों के उत्थान के लिए आए हैं, तो आपसी जो अंदर की जो महत्वाकांक्षा है उसे त्याग करके जेएलकेएम के जो भी प्रत्याशी घोषित किया जा चुके हैं उनके समर्थन में दिन रात एक करेंगे और उन्हें विजय बनाएंगे। टिकट बंटवारे में भी नाराजगी हुई, कई सवाल खड़े हुए। देखिए सवाल खड़े होंगे चूंकि नई पार्टी है और आप हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों पे आके सेंटर टिक जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से अभी विस्तृत हो नहीं पाए हैं, तो नाराजगी है, लेकिन क्या एक छोटी सी नाराजगी के लिए ये 3 वर्षों का संघर्ष और झारखंड के लोगों की जो 24 वर्षों की जो पीड़ा है उसका दमन नहीं कर सकते हैं, उनसे आग्रह होगी। ये इस सीट पर आप किससे मानते हैं कि चुनौती है ज़्यादा? देखिए दोनों समान रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें लगता है कि और दोनों का जो मैंने विधानसभा का चुनाव होगा, हमें लगता है दोनों समान रूप से रहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमें एक बेहतर अंतर मिलेगा। बेरमो में पहले से 2 प्रत्याशी थे, जयमंगल और रविंदर पांडे, तीर्थनाथ महतो भी वहां घोषणा कर दिए कि चुनावी मैदान नहीं। देखिए हमें लगता है उनका कोई विशेष प्रभाव देखने को उतना नहीं मिलेगा, बाकी उनको शुभकामनाएं हैं। बस इतना लीजिए। followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in